What is up, guys? This is Max Size Life, and welcome back to yet another YouTube video of mine. Today's video, I'm going to discuss that how I go to work early in the morning, normally when I have to do. So being an international student also, I had to go early in the morning sometimes, and on work permit also, my 8 baje wali shift hoti thi, aur 1 ghanta 10 minute mera dur ghar se kaam hota tha. और अभी मेरी 8 बजे वाली शिफ्ट है और जो मेरा काम है वो मेरे घर से अगेन 1 घंटा 15 मिनट दूर है. कैसे उठते हैं, कैसे प्रेप करते हैं, उसके बारे में बात करूँगा. अगर आपको अर्ली शिफ्टें लगानी हो कभी कनाडा के अंदर, तो आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आनी चाहिए. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप मैं करता हूँ ना कि मैं सुबह उठ के नहीं नहाता हूँ. जी हाँ, इसमें कोई बहुत यार गलत बात नहीं है, ठीक है ना, सुबह उठ के नहीं नहाना, ठीक है. क्योंकि कनाडा के अंदर क्या होता है, मोस्ट ऑफ द लोग जो है वो रात को घर आने के बाद नहाते हैं. जी हाँ, मोस्ट ऑफ द लोग जो है उन्होंने हैबिट इस हिसाब से डाली होती है कि रात को जब घर आना होता है उसके बाद ज़रूर नहाना होता है. यहाँ पर वैसे भी रात को नहाए बगैर आपका काम नहीं चलता, क्योंकि बाहर ना, अब अगर आप TTC में स्पेशली ट्रैवल करते हो ना, तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी अगर आप घर आके सीधा सो जाओगे. यू हैव टू टेक ए शावर. सेकेंड जो मैं चीज़ करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट नहीं खाता हूँ. जी हाँ, मैं ब्रेकफास्ट खाता हूँ, बट वो ऐसा ब्रेकफास्ट नहीं होता जिसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. वो मेरा पेट भरता है, गुड फॉर माई हेल्थ एंड ऑल दैट. आपको पता होगा कि मील रिप्लेसमेंट टाइप चीज़ें आती हैं कुछ, मतलब एबॉट भी बनाती है, बूस्ट भी बनाती है. मैं प्लस कैलोरीज वाला पीता हूँ, ठीक है. उसके अंदर प्रोटीन, उसके अंदर आपके जितने भी आपको एसेंशियल विटामिन चाहिए होते हैं और जितना आपको जिंक वगैरह ये सब कुछ चाहिए होता है, मतलब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और अदर थिंग्स एवरीथिंग उसके अंदर कवर होता है. उसके साथ क्या होता है कि आपका पेट जो है ना वो भरा रहता है. इट इज़ ए हेल्दी वे ऑफ, क्या बोलते हैं ना, फास्ट फास्ट खाना भी, और साथ में मतलब एक बार आपने खोला उसको पिया 250 ग्राम, आपकी न्यूट्रिशन पूरी हो गई. प्लस उसके साथ मैं कुकीज़ का एक पैकेट ज़रूर खाता हूँ, सो दैट कार्ब्स थोड़े प्लस रहे, क्योंकि मेरे को यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा काम करना होता है और मैं तकरीबन 2 बजे तक लंच नहीं करता हूँ. जी हाँ, मैं सुबह उठ जाता हूँ, उसके बाद 2 बजे तक लंच नहीं करता हूँ. तो इस ड्यूरेशन के लिए, मतलब मेरा पेट, मेरी हेल्थ बिल्कुल सही रहे, उसके लिए आई पुट दिस एफर्ट कि यार मैंने ये चीज़ ली हुई है. मैं कॉस्को से लेता हूँ, तो मेरे आई थिंक $35 के अंदर कोई 24-25 पैक आ जाते हैं, तो वो मेरा ऑलमोस्ट महीने का स्टॉक है, ठीक है. अच्छा गुजारा हो जाता है. और जॉब पर पहुँचते हुए चलते हैं जॉब पर, वापस आके वीडियो कंटिन्यू करेंगे. डन हो गए जी काम से. काम बहुत आजकल हेक्टिक चल रहा है, बहुत हैवी चल रहा है, बिकॉज़ जो मेरे बॉस हैं वो मतलब उन्होंने मतलब रिज़ाइन दे दिया है, तो अभी कोई और आएगा. लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता कंपनी का, ठीक है. बट थोड़ा सा जब ट्रांजिशन होती है ना कोई भी, तो थोड़ी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा हैवी चलती हैं, ठीक है. और मैं आ गया हूँ जी, अभी मेरे जो कोलीग है मेरा, उसने मेरे को ड्रॉप ऑफ कर दिया था यहाँ पर. मेरे कज़न का स्टोर है, मतलब मेरा कज़न यहाँ पर स्टोर मैनेजर है आयरिस, तो यहाँ पर आया हूँ. सामने खड़ी है उसकी गाड़ी, यू कैन सी. तो अभी हम इसके साथ चलेंगे कॉस्को. अच्छा, मैं एक और जो चीज़ करता हूँ ना, मतलब सुबह जल्दी उठने के लिए, वो ये है, वो मैं एक्चुअली रात को करता हूँ, कि रात को जब मेरा सोने का टाइम डिसाइड है ना, 8 घंटे की नींद डिसाइड है, उससे मैं 1 या 1.5 घंटा एक्स्ट्रा जल्दी बेड में चला जाता हूँ. मतलब अगर मेरे को 10 बजे सोना चाहिए तो मैं 8:30 बजे बेड में चला जाता हूँ. खाना वाना खा के सब कुछ ख़त्म करके, सारा कुछ जो भी कर रहा है, शॉपिंग वॉपिंग कर रहे, कुछ भी कर रहा हूँ, सारा कुछ करके, तो मैं 8:30 बजे टोटल नेट मैं बेड में होता हूँ हर रोज़. ये मेरी प्लानिंग होती है. समटाइम लेफ्ट राइट हो जाता है, बट मैं
ट्राई टू फॉलो दिस रूल एज स्ट्रिक्टली एज पॉसिबल, सो दैट होता क्या है कि आपको जाते ही बेड में नींद नहीं आती। और सब ज़्यादा लोगों के साथ प्रॉब्लम यही आती है कि उनको जाते ही नींद नहीं आती, एक घंटा नींद आने में लग जाता है, पीछे बचता है 7 घंटे 6 घंटे 6 घंटे, सो सो के बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है और आफ्टर 1 वीक बंदा बोलता है कि मेरे से स्केड्यूल नहीं हो पा रहा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, आई होप ये आप लोगों के काम आएगी टिप। और ब्रो कितना गए दिन काम थे? Oh man, my day was really tiring, bro. I had lots to do and lots to move. Today was like a Labor Day shift. कॉस्को पे मैं पूरा ब्लॉग फिर कभी बनाऊंगा। अभी जो ज़रूरत का सामान लेते हैं, घर जाते हैं, खाना बनाते हैं, सोते हैं। अभी इस टाइम ख़त्म कर रहे हैं इस वीडियो को यहीं पे। जो मेन मेन बातें मैंने आपको बता दी हैं किस तरह से मैं सुबह जल्दी उठने में कामयाब हो जाता हूँ। तो दिस इज टुडेज़ वीडियो ब्लॉग, उसी का नेक्स्ट वन। अगर आपको ये वीडियो बनाने का तरीका अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, दोस्तों सब्सक्राइब करो मेरे यूट्यूब चैनल को। पीस आउट।